चैनल बैनर्जी मंचा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो किस टॉपिक पे होगा ये सारे सब्सक्राइबर्स को पता है, यानी कि आज का वीडियो गधी पे है। और लेटेस्ट न्यूज़ आपने जैसे देखी है, गधी की कम्युनिटी देखी कि घर पे घुस के उनके घर के ही किसी ने जेंट्स ने उनको मारा है। ऐसा मारा है कि मुंह और आँख और खान जो है वो काला पड़ गया, नीला पड़ गया, जैसा भी पड़ गया, और असली शक्ल जो क्लोजअप होके आई है बद्दी सी वैसी निकल के आ गई है। तो चलिए अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इस तरह की चीज़ें आखिर इसके साथ क्यों हो रही है। आपने देखा होगा मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स हैं, मिलियंस जो व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग बुरी नहीं होती है, व्लॉगिंग पे क्या आप दिखाते हैं और कितना दिखाते हैं ये चीज़ मायने रखती है। व्लॉगर्स आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉगर्स मिलेंगे। कुछ अगर किसी को नहीं पता अच्छे व्लॉगर्स तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देखती हूँ, मैं सजेस्ट कर दूँगी। तो सिर्फ इतनी ज़्यादा गंदगी और कंट्रोवर्सी गधी के साथ ही क्यों होती है और इतनी ज़्यादा मिसहैपनिंग्स गधी के साथ ही क्यों होती है। तो चलिए आज इसके पीछे बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह की चीज़ें गधी के साथ हो रही हैं। शुरू से आपने देखा होगा, एक साल से जब से गधी आई है यूट्यूब का जो इतिहास है वही बदल गया है। जिस टाइम से गधी आई है, इससे पहले हम लोग ने व्लॉगर्स काफ़ी देखे हैं, उनके फोटोज़ पे, उनके रील्स पे, उनके आप कह सकते हैं फ़िल्टर लगाने पे हम लोगों ने रिएक्शन दिया है, मजाक किया है, चाहे जो भी किया, क्योंकि कॉमेडी वे पे रिएक्शन देना ज़रूरी होता है। लेकिन जब से गधी ने यूट्यूब पे कदम रखा है तब से वाहियात चीज़ों की बाढ़ सी आ गई है। बद्दुओं की बाढ़ आई, लड़ाई झगड़े की बाढ़ आई, गाली गलौजों की बाढ़ आई, और हर दर्जे की नीचता की जो है बाढ़ वो YouTube पे आई जब से इस नदी की दुनिया ने यूट्यूब पे कदम रखा। MMS यानी क्या क्या वो लीक होना जो नहीं होता है, इनका चैट्स लीक होना, गंदी चैट्स लीक होना, रवि कुमार यानी किसके किसके, फिर कम्युनिटी में भी इनके छपना, फिर इन गंदी साइट्स 3x साइट्स पे इनका वीडियोस जाना, यानी क्या से क्या नहीं हुआ आज तक के इतिहास में गधी के साथ। अगर देखा जाए तो हर थोड़े दिन में कंट्रोवर्सी, हर एक थोड़े दिन में गंदगी वाली कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी भी कैसी होती है, हद दर्जे की गंदगी वाली कंट्रोवर्सी होती है। कि इच्छा तो यही करती कि फ़ोन पे कोई घुस के इसको दे, इच्छा सबकी यही होती होगी देख के चिढ़ के। अब कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, तो जो नहीं बोलता है आज हम उसके मन की बात सामने ला रहे हैं। हर सब्सक्राइबर्स जो इसके देख के घिन्नाता होगा वो यही सोचता होगा, अब इसने लिव इन पे रहने की बात की, बिन शादी किए सिंदूर लगाने की बात लगा के तमाशा बनाया, लिव इन में रहेंगे, IVF से बच्चा करेंगे, गंदे गंदे चीज़ें इन्होंने अपने चैनल पे की, चैनल को चलाने के लिए इसने सारे हद पार कर दी। अब होता क्या है ना कि हद डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि इसकी हद तो अभी बहुत लंबी है, अभी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब आपको चलते हैं आज के इंसिडेंट पे कि आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी ने गधी को घर ही के किसी परिवार के सदस्य ने गधी को ऐसा मारा कि मुंह काला हो गया। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हमारी माने तो एक से पहले इन्होंने कन्फेशन किया था कि मैंने मूर्ति तोड़ी थी, सास के कपड़े काटे थे, याद है आपको ना, मूर्ति तोड़ी थी, और इसने कहा था हाँ तोड़ी थी, तो बोल रही हूँ, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद इसने लाइव आके गालियाँ दी, और इसने उस समय भी मंदिर ऐसे तोड़ा जिसमें कि इन्होंने शिव जी को बैठाया हुआ था दिखाने के लिए, ब्लॉग्स पे दिखाने के लिए, क्योंकि सब ने ट्रोल किया था कि एक भगवान तक घर में नहीं है, तो इसने दिखाने के लिए मंदिर बनाया था, मंदिर टांगा था, उस पर भी इसने हाथ से मार के उसको भी तोड़ा जिसमें कि शिव जी थे। अब आप ये बताइए कि अब महाकाल को, यानी कि जो शिवी तो परमेश्वर है, शिव क्या है, शिवी तो परमेश्वर है, ना उनका आदि है ना अंत है, वही परमेश्वर है, जो एक कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं, सारे धर्मों में कहते हैं ईश्वर एक है, रब एक है, तो वही है। तो शिव सनातन धर्म की जो वो दी जाती है, परिभाषा दी जाती है, वो शिव के बिना अधूरी है। तो इसलिए इन्होंने जो शिव जी को तोड़ा, तभी हम लोग के दिमाग में यह आया कि हे भगवान, कलयुग ही सही, कलयुग ही सही, ऐसा पाप, इतना पाप आप कैसे देख रहे हैं और कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस तरह के पाप, इस तरह की गालियां बकना, इस तरह के एक औरत होकर औरतों को हम लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन एक लहजे में करते हैं, एक भी गाली गलौज करना, पर्सनल जाना, बच्चे के लिए जाना नहीं करते। बद्दुआएं तो देते ही नहीं है, तुमको हम क्या जाने, क्या तुमको बद्दुआएं दी, तुमने हमारा कौन सा जायदाद अपने नाम लिखा लिया है कि तुमको हम अपना बद्दुआ दें। तो
इस तरह की चीज़ें इसने अपने चैनल के माध्यम से समाज में फैलाई। सबसे पहला इसका ये था कि लड़कियां रिलेशनशिप बनाएं शादी से पहले, उसके साथ प्रोटेक्शन यूज़ करें। लड़कियों को जो कि आज का भविष्य है, क्योंकि इनके छोटी लड़कियां भी आजकल देखती हैं, यूट्यूब ऐसी चीज़ है, मोबाइल ऐसा है, सबके हाथ में है, इसने गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, आप कह सकते हैं अपने रास्ते ले जाने की कोशिश की इसने, वो भी कोशिश की। इसके बाद इसने गलत संदेश दिया कि बिना शादी के लिव इन में रहना चाहिए, उस पर कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने कमेंट्स में भी किया कि सेक्स के लिए ही लोग शादी भी करते हैं, जो कि यथार्थ ही नीचता, हद दर्जे की नीचता के बयान है। फिर लिव इन भी रहते हैं, इसलिए इन्होंने अपना उसको डिस्क्राइब किया कि किस लिए इनको आदमी चाहिए, किस लिए इनको मर्द चाहिए, उन्होंने इस चीज़ पे भी डिस्क्राइब किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं बच्चे पैदा करूँगी, IVF से करूँगी, शादी नहीं करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी, IVF से करूँगी। उसके बाद उसको लत मारी। उसके बाद इन्होंने जो है ऑन कैमरा आकर सिंदूर लगाना, लहंगा पहन के सिंदूर लगाना, इस तरह की कंट्रोवर्सी की। यानी है कि एक सुहागिन का मान होता है सिंदूर, हमको भगवान ने सिंदूर दिया है। अब बहुत से लोग ऐसा होता है कि फैशन में अंदर की तरफ सिंदूर लगाते हैं, उस पर नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग होता है ओकेजनली सिंदूर लगाते हैं, बहुत से लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जब तक भगवान देता है उसके बाद अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है कि भगवान ने ही कोई चीज़ दी है, भगवान ही ले लेता है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिनके पास है वो उनको संभाल के रखें और ईश्वर से धन्यवाद दें कि उनको भगवान ने दिया हुआ है। जिनके पास नहीं है, उनके पास अगर उनके पति या उनके सुहाग का निशानी बच्चा है, या तो उसकी के ऊपर सारी ज़िंदगी औरतें काट देती हैं। तो इन्होंने उस पवित्र सिंदूर का भी मजाक बनाया और उसको यूज़ किया अपने कंटेंट के लिए। उस बात को भी लोगों ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन गले नहीं उतर रही थी, भुलाया नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि ये तो ऐसी है ही है, क्या किया जा सकता है, इसको कुछ किया तो जा नहीं सकता, ना तो 1,00,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर है, ना तो इसको बंद किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इनको बहुत समझाया गया, इनको लीगली वो किया, वार्न किया गया कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करती हैं या आप किसी को लाइव में आके इस तरह की गंदी गालियां देती हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। तब इनका एक माफ़ीनामा भी आया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी आगे। लेकिन उसके बाद भी क्या ये थमी, क्या इनका गंदा खेल थमा, क्या इनके मिसलीडिंग टाइटल्स, मिसलीडिंग कंटेंट्स थमे यूट्यूब पे? बिल्कुल भी नहीं थमे। उसके बाद आज जब ये मार खा के ऐसे इस तरह से फोटोज़ डाल रही हैं, हमारे घर पे भी कोई भी किसी के, हमारे तो भगवान है, भगवान ऐसे लड़ाई झगड़ा घर परिवार में ना दे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, अच्छे घरों में नहीं दिया जाता है, इन जैसे के घरों में ही होता है। तो अगर मार तो अगर कोई सभ्य लड़की होती तो उसको शायद YT पे ना लाती और पर्सनल इस चीज़ को सट आउट करती, लेकिन इसको YT पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं लानी है, इसको अपनी पॉटी तक भी YT पे लानी है, जो कि ये दिखाती है पॉटी तो है तक अंदर घर, जो जिस तक कूड़ा निकाल के दिखाती है ना, इधर का कूड़ा उधर कर दिया, फिर कल का उधर का मेकओवर, उधर का कूड़ा झाड़ू करके फिर इधर कर दिया, फिर आज का इधर का मेकओवर, फिर इधर झाड़ू लगा, कूड़ा उधर कर दिया, यही इसका है। तो इस चीज़ पे जो है इनके ऊपर किसी घर में परिवार ने, इन्होंने खुद ये दिया है बयान, ये देखिए हम लगाते हैं कि मेरे परिवार का है, इसने मारा है। अभी कुछ दिन हम आपको कुछ पीछे फ्लैशबैक में ले चलते हैं इस मारपीट की घटना पे। इसने कुछ अपनी ही सहेलियों से इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमको कैसे पता चला, ये भी हम आपको बताते हैं कि इनका भाई जो है वो इनको मारता था, चप्पल से इनको मारता है, माँ बाप को भी मारता है, इनका भाई इनको चप्पल से जब आए दिन मारता है, और जो है इनको जब कभी इन लोग, इनके पापा और इनके जो भाई हैं वो मिलकर घर से बाहर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इसने इस मकान से पहले छोटा वाला मकान भी लिया था, किराए का जो लिया था अलग रहने के लिए, इसीलिए इसने लिया था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बच्चा लेके वो उस घर पे आकर रहने लगती थी। ये आप सबने भी देखा होगा, ये हमने भी देखा। इसके बाद इसने अपने इनकम बटोर के सबसे पहले इसने घर लिया, दुनिया का कोई काम छोड़ के इसने घर लिया और बहुत अकलमंदी का काम किया। इसने एक छत की कि अगर मेरे पास मेरी छत होगी तो मुझे कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता, और इसने उन लोगों को वो करते हुए और अपने लिए एक मकान बनाया, और किराए का मकान भी इसने इसीलिए लिया था क्योंकि इसने साफ बताया था कि हमारे घर वाले इस तरह से मारते पीटते भी हैं, और जब देखो ये वही घर वाले हैं जिन्होंने इनको बोल दिया था साफ, जब ये ससुराल से महके आई थी पति के जाने के बाद, तो उन्होंने कहा था अपने ससुराल जाऊँ वापस, लेकिन आप सब डॉलर्स और पैसे का खेल है जो आज इन लोग के पास रह रही हैं, या ये लोग रख रहे हैं, या इनके साथ लगे हुए हैं।
अब बात आती है कि आप लोग ये सोचेंगे कि ये बात अगर इसने कही थी भाई मारता है चप्पल चप्पल से मारता है और घर से ये बाप और भाई मिलके बाहर निकाल देते हैं, ये बात हमको कैसे पता चली। तो हम आपको बताएं, जब इनके शुरुआती चैनल्स थे या कुछ था तो इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स से दोस्ती करी थी, उसके बाद उनसे व्यूज़ बटोरे थे, उनसे खूब अपने मतलब से इन्होंने दोस्ती की, खूब दोस्ती वोस्ती की, उनसे खूब अपने लिए व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बटोर लिए, और जब इनका मतलब निकल गया और जब ये खड़ी हो गई तो उन्होंने उन यूट्यूबर्स को लात मार दी। उन्हीं यूट्यूबर्स से जब दोस्ती थी तो इन्होंने ये चीज़ें बोली थी, और इनके सपोर्टर्स जो अभी भी सो कॉल सपोर्टर्स हैं ना, इनको भी इन्होंने ये बात बताई है कि चप्पल से मारता है भाई, और इनके थ्रू कई फिक्शन चालक वालों के थ्रू हम लोग तक ये बात पहुंची, हम तक ये बात पहुंची थी। तो इस चीज़ का जो है इनके भाई और बाप ये इनके स्वभाव के कारण इनको टॉर्चर करते हैं, घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर सिंगल है हस्बैंड नहीं है तो ऐसा संभव है, होता ही है, क्योंकि ससुराल में नहीं होती इज्जत, मायके में भी नहीं होती है, ज़्यादातर हमने ये चीज़ें देखी हैं। इनकी हरकतों की वजह से शायद हम अब इनके घर वालों का भी पक्ष रख रहे हैं, इनकी घर हरकतें ऐसी होती कि शायद कभी कभी बर्दाश्त से बाहर इनके घर वालों से भी हो जाती होगी, क्योंकि पूरे घर की इज्जत, खानदान की इज्जत इसने वाइटी पे बेच खाई है, मिट्टी पे मिला दिया है। तो अब अगर गुस्से में भाई ने मारा है या जो भी किया है, एक तो मारना गलत है, हाथ उठाना औरत जात पे हाथ उठाना गलत है, अगर वो गलत है तो उसका साथ छोड़ दो, उसके साथ मिलना, उसके साथ वीडियो बनाना, उसके घर आना छोड़ दो, लेकिन हाथ उठाना इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और नहायत ही बदतमीजी है और गलत बात है, बेतुकी बेशर्मों वाली बात है। तो इस चीज़ों का इनके व्यवहार पे, इनके वीडियोस पे, इनके व्लॉग्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और पड़ रहा है। अब जो है ये अगर इस चीज़ पे अगर देखा जाए तो ये इनकी कंट्रोवर्सी है, और अगर ये झूठा कंट्रोवर्सी है व्यूज़ पाने के लिए है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि व्यूज़ के लिए किस हद तक गिर सकती है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह की मारपीट अनुचित है, इसका हम कड़ी निंदा विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, किसी भी औरत जात पे किसी को भी हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। बाकी इनको अगर सुधारने के लिए किसी चीज़ के लिए रिएक्शन वाले अगर बोलते हैं कि कमियां निकालते हैं, रिएक्शन वालों का काम है कमियां निकालना, तो इनको ये सुधारने की बजाय ये अपने दूसरे इधर उधर छोड़ देती है पीछे की, ये लोग लड़मड़ लें, ये लोग ये कर लें, ये लोग वो कर लें, और अपना ये गंध परोसती रहती हैं, दूसरों के बुराई बटोरने में लगा देंगी, लेकिन अपना ये गंध परोसती रहेंगी कि मैंने अपना बवाल दूसरों के सर पर डाल दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर से हम कहते हैं कि इस तरह की मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर ये घर का है तो घर पे सॉर्ट आउट करिए, उनसे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करिए, और अगर ये कोई बाहर का है तो इस पर कंप्लेन करिए और एक्शन लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आज से फिर से अब की बार योगी सरकार, जी हाँ यूपी पे बीजेपी भारी मतों से बढ़त से जीत हासिल कर रही है, और फिर से योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के संभावनाएं क्या फाइनल है, योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बन रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, अगली खुशखबरी यानी कि मुख्यमंत्री कब शपथ ले रहे हैं, या इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि यूपी में आज के डेट में होली खेली जा रही है, यानी कि लखनऊ में भगवा होली खेली जा रही है योगी के आगमन के खुशी में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।